देखो दिलीप, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, और मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूं। अगर तुम अपनी सारी गलत हरकतें करना बंद कर दो, तुम्हारी आयाशी के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुनिए, बेचारा इतने दिनों बाद आया है, दे दीजिए ना कुछ पैसे, आखिर आपका छोटा भाई है। भाई है, इसीलिए तो धक्के मार कर घर से बाहर नहीं निकाला। दिलीप डार्लिंग, तुम कब तक इस तरह जिंदगी बिताते रहोगे? वो दिन दूर नहीं आनी डार्लिंग, जब मेरे भाई की सारी जायदाद मेरी होगी। तुम क्या समझती हो कि मैं जिंदगी भर अपने भाई के रहमो करम पे पलता रहूंगा? ये तो मैं कई महीनों से सुनती आ रही हूँ। क्या तुम भी तो सोचो, एक जवान खूबसूरत बिन ब्याही औरत किसी गैर मर्द के साथ रहती है तो उसमें उसकी इतनी बदनामी होती है। न जाने कब तुम्हारा भाई मरेगा और कब तुम उसके प्रॉपर्टी के मालिक बनोगे। तुम घबराओ नहीं हनी डार्लिंग, बहुत जल्द तुम्हारा ये खादिम दिलीप सिन्हा अपने भाई कैलाश सिन्हा की सोने की लंका का अकेला मालिक बनेगा। क्या हो गया इसको? मेरे मालिक को मार। कमल बाबू की जय, 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 कमल बाबू की जय। कैलाश बाबू, आप महान है, सचमुच बहुत महान है। एक मामूली ड्राइवर को इतनी बड़ी मिल का मैनेजर बनाकर आप ये क्या भूल कर रहे हैं? तुमने मेरे और मेरे खानदान के लिए जो कुछ भी किया है कमल, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। चलिए, आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। कमल जी। हाँ साहब। About turn. क्यों रे शरारती, अपने डैडी के मैनेजर होते ही हमारे घर आना जाना भूल गया है? इस माधव चाचा को याद भी नहीं करता। माधव, तुम हमें कैसे याद नहीं रहोगे? नमस्ते मैनेजर साहब। मैं देख माधव, मैं मैनेजर औरों के लिए हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्त हूँ, दोस्त और दोस्त ही रहूंगा। बोल मुझे दोस्त, दोस्त बोल ना। दोस्त दोस्त है हमारा। अरे हाँ, ये तुम्हारी बिटिया राम प्यारी के लिए कपड़े लाया। बेटे उसे चुप, और बेटे ये तुम्हारे लिए पहन लो, जाओ। आदो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, आराम से बात करते हैं। ठीक है। बेटे, अरे वाह, ये निशान बेटे जिसके शरीर पे होता है ना, वो बहुत भाग्यशाली होता है, बड़ा पैसा होता है उसके पास। नमस्ते सेठ जी। अरे कमल राय, तुम? हाँ। क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ। मालिक, कुछ जरूरी पेपर साइन करवाने थे, इसलिए चला आया। अरे भाई, तो तुमने क्यों तकलीफ की, किसी और को भेज दिया होता? मालिक, ये अपने मिल के इम्पोर्टेंट पेपर है, इसलिए किसी पर भरोसा रखना मैंने मुनासिब नहीं समझा। वेरी गुड, लाओ। ये लो। अच्छा चलता हूं। कमल।
कमल, तुम बिना बैसाखी के? बैसाखी तो एक बहाना था तुम्हारी दया और विश्वास जीतने के लिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि बिना पढ़े किसी कागज पर साइन नहीं करना चाहिए, यानी कि हस्ताक्षर। सिन्हा, ये फाइल तुम्हारा वसीयत नामा है, जिसके मुताबिक तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी जायदाद का अकेला वारिस ये कमल राय है। और मरना तो तुम सबको अभी है। नहीं छोड़ूंगा, चलिए, नहीं छोड़ूंगा। जल्दी बेटे, मालिक, जल्दी चलो, मालिक, जल्दी चलो, रास्ते में कहीं रुकना नहीं, जल्दी चलिए। मुबारक हो कमल। अरे तुम्हें भी मुबारक हो सिन्हा, मैंने तुम्हारे भाई भाभी को बच्चों समेत खत्म कर दिया, अब उनके करोड़ों के जायदाद के हम दोनों मालिक बन गए हैं। करोड़ों की जायदाद के मालिक हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं मालिक बना। लेकिन वसीयत में तो हम दोनों का नाम है। बेवकूफ, ये वो वसीयतनामा नहीं है जिसपे तुम्हारा नाम लिखा था। मैंने तुम्हारी आंखों धूल झोंक कर वसीयतनामा बदल दिया, और अब इस वसीयतनामे का सिर्फ मैं मालिक हूं मैं। तुमने मुझे धोखा दिया है सिन्हा। कमल राय, आदमी जो बोता है वही काटता है। तुमने मेरे भाई को धोखा दिया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने मेरे खानदान को खत्म कर दिया और अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। अरे डार्लिंग स्वीटहार्ट, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत खुश। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये वक्त चिल्लाने का नहीं, ये वक्त नाचने गाने का है, खुशियां मनाने का, याहू जश्न मनाने का है। तुम नहीं जानते, आज मैंने अपने भाई, अपनी प्यारी प्यारी भाभी और उनके बच्चों को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। और अब मैं अपने भाई की सारी जायदाद, उसकी गाड़ी, बंगले, फैक्ट्रीज और उसकी सारी मिलों का अकेला मालिक बन गया हूं, अकेला मालिक। हंसो हंसो और जोर से हंसो। सिन्हा, अगर किसी ने मुझे ये कहा ना कि कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी हो सकती है तो मैं यकीन कर लूंगा, लेकिन किसी ने ये कहा कि तुम सुधर गए हो तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। तुम्हारे भाई को मारकर उसकी सोने की लंका के हम दोनों मालिक बनने वाले थे, और मुझे मारकर तुम उस लंका पर अकेले राज करना चाहते थे, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन मैंने तो तुम्हें खत्म कर दिया था। हाँ सिन्हा, जबकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम एक धोखेबाज और मक्कार इंसान हो, तो क्या मैं तुम्हारी रिवॉल्वर में असली गोलियां रहने देता? इसे कहते हैं कमल का कमाल। सिन्हा तुम बहुत मूर्ख हो, मूर्ख। लगता है तुमने रामायण ठीक से पढ़ी नहीं है। सीता को पाने के लिए रावण को साधु का रूप धारण करना पड़ा था, और तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे हनी के साथ मिलकर ये रूप धारण करना पड़ा। कमीनी, गद्दार। ऐ गाली मत दे इसे, ये न कमीनी है न गद्दार है, ये तो मेरी वफादार धर्म पत्नी माला है, माला। इस कमल की माला। तुम्हारी हर चाल जानने के लिए मैंने ही इसे तुम्हारी रखेल बनाकर तुम्हारे साथ रखा। इस फाइल को देखकर तुम बहुत खुश हो रहे थे ना?
लेकिन इस फाइल में सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिखी है, तुम्हारे नाम नहीं। नहीं सिन्हा, सारी दुनिया जानती है कि तुम एक आवारा, बदचलन और कमीने इंसान हो, और मैं एक नेक शरीफ ड्राइवर था, अब मैनेजर हूँ, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम्हारे भाई का कत्ल मैंने किया है। दुनिया तुम पर शक करेगी, तुम पर कमीने। और बात अकार, एक बात याद रख, तू जिंदगी भर अपनी औलाद के लिए तड़पता रहेगा, लेकिन तेरा बेटा तुझे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कहाँ है? नहीं मिलेगा। बेटा कहाँ है? तेरे बेटे को कहाँ? मैंने चुप चुप चुपा रखा है।